समय की तिरकन, समय के थिरकते हुए पांव छोड़ते हैं निशान इतिहास के पन्नों पर। समय का बदलता हुआ परिवेश सुनाता है एक दास्तान, उसी दास्तान का हसीन पहलू है आज का ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं नीरज करण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार करता हूं। ईश वंदना के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वृदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचयुत शंकर प्रभृति भी देवे सदा वंदिताम सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहम। साथियों, रणबांकुरों की पावन भूमि राजस्थान संस्कृति सभ्यता संस्कार और विरासत की पवित्र धरा राजस्थान, उस पावन भूमि का हृदय सभ्यता का प्रतीक, संस्कारों का प्रतीक अपना गुलाबी शहर जयपुर, जहां जयपुर एजुकेशन समिट आयोजित हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिग्गज मनीषियों ने अपने विचारों, दर्शन और अपने अपने सूचनाओं से इसे पुष्पित और पुलवित किया है। आज उसी महायज्ञ में विचार विमर्श होगा, परामर्श होगा, परिचर्चा होगी, चर्चा होगी मीडिया क्षेत्र में कैरियर उनकी चुनौती विषयों पर। इस पर विमर्श करने के लिए मीडिया शिक्षण जगत के दिग्गज विद्वान हमारे बीच में हैं, और मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्रकारिता जनसंचार विभाग के प्रमुख हैं। आप प्रख्यात चिंतक हैं, जितना मैं आपको जानता हूं उतना मैं आपको उन शब्दों से जरूर संबोधित करना चाहूंगा कि आप एक समाज धर्मी हैं, संस्कृति कर्मी हैं, प्रखर वक्ता हैं जितना मैं जानता हूं, ओजस्वी लेखक भी हैं, एक बहुत ही संजीदा स्कॉलर हैं। पुनरुत्थान ट्रस्ट एक ऐसी संस्था जो दिव्यांगों के लिए काम करती है, ऐसे शानदार ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, और मैं जितना जानता हूं ना जाने मेरे जैसे कितने साथियों के आप मेंटर हैं, कितने सारे विद्यार्थियों के निर्माता हैं, और आज हमारे बीच में आप हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आज की इस विशेष विषय पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्रेडेंट टीवी इसको प्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे जयपुर एजुकेशन समिट को। हमारे साथ में एक शख्सियत और जुड़ेंगे, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जो हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय पत्रकारिता के जनसंचार संकाय के संकाय अध्यक्ष हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, स्कॉलर हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए इस पूरे चर्चा परिचर्चा का शुभारंभ करते हैं, और जिस तरह का विषय हम सबके समक्ष है, मीडिया के क्षेत्र में कैरियर और उनकी चुनौतियां, इस विषय पर विमर्श करें। मैं सबसे पहला सवाल जो है इसी विषय को लेकर पूछता हूं अपने दोनों विद्वानों से कि मीडिया के क्षेत्र में जब हम कोरोना की बात करते हैं, जब हम देश के इतिहास की बात करते हैं तो आजादी से पहले और आजादी के वक्त भी एक दौर था, और जब हम गूगल की बात करते हैं तो एक गूगल से पहले की पत्रकारिता हुआ करती थी, एक गूगल के बाद की पत्रकारिता हुआ करती है, और इसमें भी जब हम कोविड के समय को अगर हम देखेंगे तो एक कोविड से पहले की एक पत्रकारिता थी, एक कोविड के दौरान की पत्रकारिता है, और एक कोविड के बाद की पत्रकारिता है। इस कोविड के बाद की पत्रकारिता, इस दौर की पत्रकारिता को एक नए दृष्टिकोण से हमने सबको देखा है, एक नई तरह के प्रयोग होते हुए देखे हैं हमने, उन प्रयोग और उन नए दृष्टिकोण के मध्य मीडिया के क्षेत्र में कैरियर इस विषय पर और उसकी चुनौतियां किस रूप से हम देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो प्रोफेसर दिलीप जी से ही है कि मीडिया के क्षेत्र में कैरियर और उसकी कुछ चुनौतियां जो हैं उससे हम सबको रूबरू कराएं कि किस किस तरह के नए प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं आज की नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए या बडिंग जर्नलिस्ट के लिए। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज करण सिंह जी और क्रेडिट टीवी का कि आपने हमें अवसर दिया कि इस विषय पर हम अपनी बात को दर्शकों के साथ साझा कर सके। रही बात मीडिया में संभावनाओं की और उसके चुनौतियों की, कैरियर और उसके चैलेंजेस की,
जिस तरीके से कोरोना काल में मीडिया ने स्वरूप बदला है, मैं इस रूप में इसको देखता हूं। ये मैं नहीं कहूंगा कि मीडिया पे बहुत ज्यादा आघात हुआ है, नो डाउट आघात भी हुआ है। कुछ एक मीडिया ऐसे रहे जिन पर ऑल ऑफ सडन एक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके बीच से भी एक रास्ता निकलते हुए दिखाई दिया, एक आस्था की किरण दिखाई दी, चाहे वो प्रिंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो। ये दोनों मीडिया ने जिस तरीके से अपना क्लेवर और फ्लेवर बदला है, मुझे लगता है कि वो सभी के लिए चुनौती तो जरूर रहा है, लेकिन समान समय में एक अवसर भी वो दे के गया है। अवसर इन लोगों के लिए, जब हम कहते थे कि कभी भी पत्रकार के लिए और मीडिया के लिए खासकर पेन ही उसका मित्र है, आधार है, तो कंटेंट राइटर्स के तौर पे जिस तरह डिजिटल मीडिया का इसमें एक नया परिवेश देखने को मिल रहा है, एक नया वातावरण, एक नया कैनवास देखने को मिल रहा है, उसमें कंटेंट राइटर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। अब जब हम कंटेंट राइटर्स के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की बात करते हैं, तो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के क्या प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखने के लिए हमारा निवेदन रहता है। हाँ, ये जरूर एक चुनौती उसी के साथ निकल करके आती है कि क्या डिजिटल मीडिया पर लिखने वाले या उस कंटेंट को समझने वालों के लिए उस तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध है क्या, क्योंकि सामान्यतः जो पहले की लेखन की प्रक्रिया होती थी, वो किसी भी मीडिया के लिए लिखने के बाद एक अवसर होता था कि उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल मीडिया पर और खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार लिखने के बाद वो त्वरित ढंग से आगे चला जाता है, उसमें सुधार की गुंजाइश कम रहती है। तो उस तरीके से एक कंटेंट लिखने की जो एक प्रक्रिया हुई है, प्रिंट ने जैसे अपना फ्लेवर बदला है, आप याद करिए उन दिनों को। मेरा निवेदन है, प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी भी हैं शायद सहमत हो इस बात से, कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसमें प्रिंट मीडिया का उतना बड़ा एक स्कोप दिखाई देगा ऐसा लगता नहीं था। ऐसा लगता था कि प्रिंट मीडिया को ओवर पावर करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना जगह बनाएगा और धीरे धीरे प्रिंट मीडिया अपनी जगह खोती चली जाएगी, लेकिन जस्ट इसके उलट हुआ, विपरीत हुआ। प्रिंट मीडिया ने अपनी जगह बनाई, उसने अपना फ्लेवर बदला, क्लेवर बदला, और इस समय आप देखेंगे आरएनआई के रजिस्ट्रेशन का अगर डाटा भी उठा करके आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रिंट मीडिया में इसको बढ़ गया। जिस तरीके से जितने आरएनआई के डेटा को अगर हम सामने रखते हैं तो लगभग 50,000 से ज्यादा की संख्या छोटे बड़े न्यूज पेपर्स की रजिस्टर्ड जो काम कर रही है, जो छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे इस तरह के गतिविधियों में अपने छोटे छोटे न्यूज को, अपने सेक्शंस को लेकर के अपने पत्रकारिता धर्म को निभा रही हैं। मुझे जुगल किशोर जी की उस पत्रकारिता को अगर हम लोग एक बार याद करें और उनको हम एक ट्रिब्यूट पे करें कि उदंड मारतंड की शुरुआत जब उन्होंने की थी और अभी अभी हम लोगों ने 100 वर्ष उसका मनाया भी है, तो हम ये मानते भी हैं कि जिस तरीके की पत्रकारिता का लक्ष्य लेकर के वो चले थे, मोर ऑर लेस पत्रकारिता की जिस्ट में, पत्रकारिता की जो नब्स है उसमें वो चीजें आज भी दिखाई देती है। हाँ, उसका स्वरूप बदला है, उसका व्यवसायिक स्वरूप बदल गया है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स बदल गए। जैसे पत्रकारिता पहले मिशनरी थी, फिर बाद में वो प्रोफेशन बनी और अब एक ग्रीड में, लालच में कन्वर्ट हुई। ये ठीक बात है, मैं हमेशा कहता हूँ और कई सारे विद्वान इस बात को इंडोर्स भी कहते हैं कि पत्रकारिता बाजार की पत्रकारिता हो लेकिन बाजारू पत्रकारिता ना हो। तो वो उस दृष्टि से भी जद्दोजहद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है और लड़ाइयां लड़ी जा रही है, लेकिन डिजिटल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि लोगों को एक बहुत बड़ा कैनवास मिला है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। हर मीडिया का इस समय एक एग्जिस्टेंस चल रहा है। अब ये देखने की बात है, सब में एक संघर्ष का दौर है, ये देखने की बात है कौन किस रूप से फिटेस्ट टू सर्वाइव, जो एक लैमार्कवाद का नियम है कि फिटेस्ट टू सर्वाइव, जो संघर्षशील होगा वो सर्वाइव करेगा। यहाँ पर हम लोग पत्रकारिता के दृष्टि से और मीडिया के दृष्टि से कह सकते हैं कि जिसके कंटेंट में, जिसके क्रिएटिविटी में, जिसके आइडिया में और जिसके व्यूशिप में ताकत होगी, जिसके जिसके ओरिजिनल फ्रेश आइडियाज होंगे, वो सर्वाइव करेगा, ऐसा मेरा मानना है। शुरुआती रिमार्क में मैं यही समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर अजय जी से मेरा सवाल रहेगा कि इस विषय को लेकर सबसे पहला रिमार्क तो जरूर करें, लेकिन साथ साथ में ये बताएं कि नए मीडिया का जो उद्भव हो रहा है और जिस रूप से ये एक क्या कहें कि जो मुख्य धारा की जो मीडिया है उसको कंट्रोल करने जैसी स्थिति में आ रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाला वक्त एक नए मीडिया का होगा या उसमें और भी कुछ नई चुनौतियों के साथ में हम देखेंगे और विद्यार्थियों के लिए या जो न्यू कमर्स के जो
नए विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस ओर? माइक ऑन कर लीजिए साहब, डॉक्टर अजय जी माइक ऑन कर लें। मेरा निवेदन है डॉक्टर साहब जरा माइक ऑन कर लेंगे, माइक ऑफ है आपका। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नीरज सिंह। कोई समस्या है अमेरिका से? आवाज में कोई समस्या है? चेक कर ले, अभी तो ठीक आ रही मुझे लग रहा है, अगर आ रही हो तो। जी हाँ, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही। हाँ, अपनी बात रखें। जी ठीक। तो भाई दिलीप कुमार ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि मीडिया का रूप बदल रहा है, मीडिया के रूप में बदलाव हो रहा है, और आने वाला जो समय है वो जो परंपरागत मीडिया या जो ट्रेडिशनल मीडिया चल रहा है उससे थोड़ा सा हटके है। और आप सभी जानते हैं कि विदेशी पूंजी निवेश और डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को, कुछ ऑडियो का व्यवधान रहा। जी जी जी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी मीडिया का रूप है वो बदल रहा है, और क्योंकि मीडिया में पूंजी बढ़ रही है, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, पूंजी लग रही है, इस वजह से जो छोटे समाचार पत्र हैं या टेलीविजन चैनल हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और इनके सर्वाइवल की वजह से ना होने की वजह से अब डॉक्टर साहब पुनः आपकी आवाज चली गई है। इसे अनम्यूट हो जा रहा बार बार, ये अब आ रही आवाज? जी आवाज आ गई। ठीक है, तो मैं जो बात कहना चाह रहा था, अगर नहीं आएगी तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है ना। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था कि मीडिया का रूप बदल रहा है और विदेशी पूंजी निवेश के कारण मीडिया में हर चीज़, टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीज़ें बदल रही है बहुत तेज़ी से, और मीडिया के अब कोई उद्योग विकसित कर पाना या मीडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन विकसित कर पाना इतना आसान या सस्ता नहीं रह गया। तो जाहिर सी बात है इस वजह से मीडिया में करियर की संभावनाएं भी बढ़ी। जब टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत हुई, ट्रेनिंग की जरूरत हुई, और मीडिया विश्वविद्यालयों की भूमिका भी बढ़ी, मीडिया के विभागों की भूमिका भी बढ़ी, और तेजी से मीडिया के विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया में जो करियर की संभावनाएं हैं वो काफी बढ़ी हैं। अब मीडिया को अगर थोड़ा सा और बड़े टर्म में आप लें, सिर्फ पत्रकारिता के टर्म में ही ना लेके, अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन की बात करें, तो मास कम्युनिकेशन का कोई भी आप क्षेत्र देख लें उसमें संभावनाएं बढ़ रही हैं। पहले था खाली प्रिंट पत्रकारिता, फिर इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता हो गई, न्यू मीडिया आ गया, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन आ गया, फिल्म प्रोडक्शन आ गया, कंटेंट राइटिंग आ गया, इसके अलावा बहुत सारे लोग कैमरा। जी पुनः आपकी आवाज चलेगी डॉक्टर साहब। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं एक बार हेडफोन लगा के कोशिश कर लेता हूं। जी जी जी, हेडफोन की वजह से हो रहा हूं, तो मैं ट्राई कर लेता हूं। साथियों हम विमर्श कर रहे हैं मीडिया के क्षेत्र में भविष्य के ऊपर और उसकी चुनौतियों के ऊपर। हमारे साथ में दो विद्वान इस विषय पर विमर्श करने के लिए हैं, प्रोफेसर दिलीप जी और डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। और इस विषय पर विमर्श जो एजुकेशन समिट, जयपुर एजुकेशन समिट
इस पूरे कार्यक्रम को करवा रहा है क्रेडेंट टीवी के माध्यम से। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर राजीव कुमार जी से कि वो दोबारा अपनी बात। आवाज मेरी एक बार चेक कर लें, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आवाज आ रही आवाज है, आ रही? प्लीज आप अपनी बात। जी जी, तो मेरे ख्याल से अब ठीक रहेगा, देख लेते हैं उसको। तो बात यह कि मीडिया में करियर की संभावनाएं बढ़ी हैं। मीडिया को थोड़ा और ब्रॉडर टर्म में बात कर ले, हम लोग मास कम्युनिकेशन की बात करें अगर, तो संभावनाएं बहुत बढ़ी हैं। बहुत सारे क्षेत्र मास कम्युनिकेशन के डेवलप हो रहे हैं, और जिस कारण जो है आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में मीडिया में बहुत सारे रोजगार होंगे, और एक करियर के रूप में भी लोग उसको, युवा जो है वो चुन रहे हैं। नए तरह की चुनौतियां जब हम बात करते हैं, संभावनाएं तो साथ साथ हैं, लेकिन जब चुनौतियों की बात करते हैं तो कोविड के बाद के समय की और आप जो नई तरह की पत्रकारिता हम देख रहे हैं उसमें एक नई तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की है या भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हुए लगातार बढ़ रही एक नई तरह की पत्रकारिता, जिसमें YouTube की पत्रकारिता कह लीजिए या Facebook की पत्रकारिता कह लीजिए, जिसमें कोई भी सिद्धहस्त व्यक्ति भी नहीं होता लेकिन उसके बाद ही पत्रकारिता करता है। क्या लगता है कि आपको इस तरह की पत्रकारिता कहां तक सही हो सकती है और इसकी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाएगी? डॉक्टर दिलीप जी पहले आपसे सवाल है। जी, जिस तरीके के नए परिवेश में पत्रकारिता, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अजय सिंह जी ने, कि मास कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो कुछ एक चीजों के लिए चुनौती बड़ी है, ये हमें समझना ही होगा। जैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए अगर मास कम्युनिकेटर में अगर वीडियो एडिटर अगर हम देख लें या प्रोडक्शन के काम को देख लें, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा स्वरूप, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं थोड़ा नकारात्मक दृष्टि कम लेता हूं, क्योंकि नेटफ्लिक्स उसी के बीच में आया है, आपने देखा कि प्रोडक्शन का स्वरूप बदला है, वो एक तरीका बदला है, ये चुनौती भी है। लेकिन जिस सहजता के साथ अब जो नए परिवेश में जो मास कम्युनिकेटर है, खासकर हर दृष्टि से अगर देखें, चाहे वो पब्लिक रिलेशन से हो, रिसर्च हो, एडवर्टाइजिंग की बात कर ली जाए या प्रोडक्शन की भी बात कर ली जाए, रेडियो टेलीविजन के अन्य विधा के बारे में बात कर ली जाए, म्यूजिक राइटर्स की बात करिए, म्यूजिक कंपोजर की बात करिए, सारे मास मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट विधा है, इन सभी के बीच में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में, खासकर जो पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं, उनके पास एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बच्चे जब प्रत्यक्ष रूप से या फिजिकल रूप से वहां आते हैं तो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको मिलती है वो ट्रेनिंग वो उस रूप में नहीं ले पा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग की एक लिमिटेशन है, और उसके साथ एक फाइनेंस इन्वॉल्व है। अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या बहुत सारे एक सिस्टम अगर बच्चे को खरीदना है और उसकी बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों के लिए या पत्रकारिता या मास कम्युनिकेटर में जाने वाले सभी इच्छुक या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए सहज नहीं है। तो उस असहजता में नया रास्ता क्या निकल सकता है? एक एनी डेस्क करके चीजें हैं, लेकिन इसमें साइबर क्राइम भी इन्वॉल्व कई बार हो जाता है, तो उस तरह की चीजें भी चुनौतियों के रूप में हमें देखना पड़ेगा कि साइबर क्राइम न हो, एनी डेस्क में कोई आपकी निजता का कोई सीक्रेसी लीक होने का, इस तरह की कोई चुनौती भी है जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, तो उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब कि YouTube की पत्रकारिता या इस तरह की पत्रकारिता, एक चुनौती ये भी है कि पत्रकारिता की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं और दूसरे दृष्टि से भी कह सकते हैं, चूंकि एक नया फील्ड है, नया परिवेश है, तो एक सुगबुगाहट सी हो रही है, और सुगबुगाहट जब होती है शुरुआती दिनों में, जब एक नई धारा चलती है, एक नया रास्ता तलाशता है, जस्ट लाइक अ फ्लड वाटर, कि जब ये बह रहा होता है और उसके लिए अगर प्रॉपर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो कहीं भी सेप लेती है और उसको बर्बाद करते हुए चलती है, और साथ में ये भी संभावना बनी रहती है कि वो मल्टीपर्पज सॉल्व कर ले। गांधी का स्टेटमेंट है कि जर्नलिज्म जस्ट लाइक अ फ्लड वाटर, अगर उसको कंट्रोल वे में कर लिया जाए, या मास कम्युनिकेटर का जो एक्टिविटीज है उसको अगर कंट्रोल वे में कर लिया जाए तो मल्टीपर्पज सॉल्व हो सकते हैं, जैसे इरीगेशन की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं उससे प्रोडक्शन करके। लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो बाढ़ के पानी की तरह होता है कि एरिया का एरिया तबाह करता है। इन दिनों जो हम देख रहे हैं वो शुरुआती वही दौर है जिसमें हम ये जो कम्युनिकेटर्स हैं, जो मास कम्युनिकेटर्स हैं, वो या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं या उनको एक ट्रेनिंग का एक बाउंड्री ऐसा नहीं दिया गया है जिसके आधार पर वो ये तय कर पाए कि ये सही है और ये गलत है। हाँ, ये जरूर बात है कि मीडिया लॉ एंड एथिक्स
एक एक चीज हमारे पास एक सिस्टम है, एक एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन वो जो मास कम्युनिकेटर है वो क्या एबिलिटी रखता है क्या उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एथिक्स को, मोरल को पढ़ने का? तो एक चैलेंज ये भी है कि किस तरीके से इन पूरे रेगुलेशंस को या सेल्फ रेगुलेटरी एक मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए, उन लोगों को एक मिनिमम स्किल्स दिया जाए जो आज का परिवेश है उसमें, ताकि उस स्किल्स के आधार पर हम उस मास कम्युनिकेटर को ट्रेंड करके और उसकी, जो आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, कि उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। क्योंकि कोई भी अगर इस तरीके से करता है मास कम्युनिकेटर के नाम पे, तो मुझे लगता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना लाजमी है। और अगर जर्नलिज्म की फील्ड का दे तो एक कंसेप्ट है सिटीजन जर्नलिज्म, इसमें कोई बुराई नहीं है, सिटीजन जर्नलिज्म होनी चाहिए, लेकिन इन टर्म्स को किस रूप में आप यूज कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इस पर एक रिफाइन थिंकिंग, एक रिफाइन डिस्कोर्स लाने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सिटीजन डॉक्टर नहीं है, सिटीजन इंजीनियर नहीं है, तो आप सिटीजन जर्नलिस्ट जब आप कहते हैं तो इसमें कोई इसमें तटस्थता बरतने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक मिनिमम सेट ऑफ स्किल्स, चाहे वो PMYK के थ्रू हो या अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें एक विधान इस पर दिया गया है कि रिसर्च और इस स्किल के बारे में बात की गई है, इस तरह की एक बात मुझे लगता है कि हम आम मीडिया एजुकेटर्स या मीडिया के मर्मज्ञों को या मास कम्युनिकेटर्स को शायद सहमति बनती हुई दिख भी रही है कई सारे प्लेटफॉर्म पे, हम सभी लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं कि एक मिनिमम सेट ऑफ स्किल्स, हम नहीं कह रहे कि उसको सर्टिफिकेट देना है या डिग्री देना है या डिप्लोमा देना है, लेकिन एक मिनिमम सेट ऑफ स्किल्स के थ्रू उसको ट्रेन किया जाए। मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जब डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जब राजस्थान विश्वविद्यालय में थे, तो हर साल एक वर्कशॉप कराया करते थे बच्चों के लिए, और वो बच्चों के लिए वर्कशॉप, जो फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की वर्कशॉप, एक मिनिमम सेट ऑफ स्किल्स तो दे रहा है जिससे बच्चे ट्रेंड होकर के मार्केट में जा रहे हैं, और मार्केट में जब जाएंगे तो उस मिनिमम सेट ऑफ स्किल्स के साथ वो बेसिक जो फाउंडेशन है उसको समझते होंगे, और वो चैलेंज उस रूप में उनके साथ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर स्किल सेट बच्चों को तैयार किया जाए, जो चुनौती भी है और जो अवसर का भी एक पर्याय है, जिसमें मोबाइल काम कर सकता है और अलग अलग तरीके से, तो मुझे लगता है कि जो हार्डकोर मास कम्युनिकेटर्स हैं उनको भी आगे फ्रंट पे आने की आवश्यकता है, और उन लोगों को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। क्योंकि हेल्दी कंपटीशन अगर होगा जिसमें सर्टिफिकेट बेस कोई चीज ना रह जाए, केवल डिप्लोमा बेस कोई चीज ना रह जाए, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड आपको फिक्स करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर इस चुनौती को हम पार कर पाते हैं, तो जैसे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने कहा कि एक बहुत बड़ी संभावना है, और अगर मैं इसको आगे बढ़ते हुए एक सेंटेंस में कुछ और ऐड कर दूं कि पूरे दुनिया को आने वाले दिनों में ये हार्डकोर रियलिटी है, चाहे हाइब्रिड में आज अगर मीडिया चला रहा है, तो इसके डायमेंशंस या इसके परसेप्शंस आप अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई असहमति नहीं होते हुए मुझे नजर आ रही है। हाँ, उसका रूप अलग अलग हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, या वो रूलर हो, या फाइनेंस हो, या ब्यूरोक्रेट्स हो, कहीं ना कहीं बिना मीडिया का वो भी अधूरा है, उसको अपनी बात अगर कहनी है तो वो मीडिया का सहारा लेता ही है। हमें इसको सेफ देने की आवश्यकता है, हम मैक्सिमम जगह पर यूज होने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम है, ऑर्गेनाइज हम कम है, उसको लगता है कि ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसकी आगे की संभावनाओं को और पूर्ण रूप दे सके। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मैं भी मानता हूं, और सीधे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी से सवाल पूछूंगा कि डॉक्टर जो है वो एक रोगी का रोग दूर करता है, इंजीनियर जो है वो समाज के लिए कुछ चीज बनाकर देता है, कलाकार कलाकृति बना रहा है, तो वो भी अपने लिए भी हो सकती है, दूसरों के लिए भी हो सकती है, लेकिन जब पत्रकार लिखता है, कहता है, उसे नहीं पता कि वो किस धर्म के लिए, किस पंथ के लिए, किस मजहब के लिए, किस क्षेत्र के लिए, किस व्यक्ति के लिए वो काला है या गोरा है, वो किसके लिए लिख रहा है या किसके लिए कह रहा है, उसे मालूम भी नहीं। और जब उसे मालूम नहीं, तो मैं तो आज भी इस बात को प्रखर तौर पर मानता हूं कि वो दरअसल सही में एक व्रत धारण करके पत्रकारिता कर रहा है, वो एक मिशन है, आज भी है और हमेशा रही है। लेकिन जब आजादी से पहले की बात करते हैं, तो तब पत्रकार जो है उनका एक मिशन हुआ करता था देश की आजादी। उसके बाद में जो पत्रकारिता में लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने एक विषय के विशेषज्ञ हुआ करते थे। जरूर नहीं था कि पत्रकारिता सीखे या पत्रकारिता का अध्ययन करना आवश्यक हो, लेकिन उसके बाद में एक ऐसा दौर आया जब शिक्षण प्रशिक्षण पत्रकारिता के लिए बहुत अहम हो गया, और ये होना चाहिए, ये मेरा भी प्रबल विश्वास है।
आप क्या मानते हैं कि एक पत्रकार जो है वो शिद्दस्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिसको जिसको पता भी नहीं कि वो किसके लिए लिखने जा रहा है और वो कुछ कह देगा तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है, उसका शिद्दस्त होना, उसका एक्सपर्ट होना या शिक्षण प्रशिक्षण के साथ में फील्ड पर आना ये कितना आवश्यक है, और किसी भी विषय का कोई भी व्यक्ति पत्रकार कैसे बने, इस पर अगर आप अपनी बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक राह होगी, एक एक मार्गदर्शन मिलेगा। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि प्रशिक्षण कितना आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं कि बिना प्रशिक्षण के आज के डेट में अच्छा पत्रकार बन पाना, अच्छा कैमरा पर्सन बन पाना, अच्छा राइटर बन पाना मुझे संभव दिखाई नहीं देता है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसा कहा कि चीज़ें बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। हर 6 महीने बाद कैमरे बदल जाते हैं, हर 6 महीने बाद एडिटिंग इक्विपमेंट्स बदल जाते हैं। यूट्यूब आ गया है, यूट्यूबर्स बहुत सारे जो बड़े नाम थे उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां, संपादक स्तर के लोग जो थे उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी और एज अ यूट्यूबर आज उनकी लाखों में आप कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर है और अच्छा खासा वो पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भी कुछ विद्यार्थी हैं जिनके लगभग 50,000 से अधिक फॉलोवर हो गए और उनके ठीक ठाक पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। ज्यादा समय नहीं बीता है, सिर्फ 4 महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। तो बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन प्रशिक्षण आवश्यक है। क्योंकि कहा जाता है कि यूं तो अखबार हूं, क्या औकात है मेरी, लेकिन अकेला ही आग लगाने के लिए काफी हूं। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षण की, सूझबूझ की, ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिसकी जो चोट होती है बहुत दिनों तक रहती है और समाज में बहुत आप कह सकते हैं प्रभावी रहती है। तो प्रशिक्षण जरूरी है। दूसरी बात एक मैं और ऐड करना चाहता हूं इसमें, जो भाई दिलीप कुमार कह रहे थे कि हम मास कम्युनिकेशन में, एक तो पत्रकारिता है, पत्रकारिता में इस बीच में थोड़ा एक रुझान आया, मैंने इस पर रिसर्च पेपर भी लिखा कि प्रिंट मीडिया के बहुत सारे समूह ऐसे हैं जो इस बीच में बंद हो गए और उनके बंद होने का कारण, चाहे वो बेनेटन कॉलमैन ग्रुप के रहे हो, टाइम्स ग्रुप के, उन्होंने दिखाया कि कोरोना के कारण 300 करोड़ का घाटा हो रहा पर ही है, या जयपुर का हिंदुस्तान टाइम्स है ये बंद हो गया अभी जून में। तो प्रिंट मीडिया का भी अब मुझे लगता है कि रूप बदलने का समय आ गया और धीरे धीरे रूप बदलेगा। और बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि 2040 में जो प्रिंटिंग फॉर्म में न्यूज़पेपर है वो शायद अंतिम पत्र छपे 2040 में, नहीं तो डिजिटाइज हो जाएगा। आप अभी चर्चा कर रहे थे नेटफ्लिक्स की या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से ये एक ऑल्टरनेट बन रहे हैं, जो फिल्में हो रही हैं कितनी तेजी से ये रूप बदल रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। आज इनका 3,000 करोड़ से अधिक का बिजनेस हो गया और तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। ऐसे में जब हम बात करें कि भाई आपने राइटिंग सीख ली, आप प्रोडक्शन हाउस के लिए भी कैमरा पर्सन बन सकते हैं, आप टीवी के लिए भी लिख सकते हैं, आप कैमरा भी हैंडल कर सकते हैं, आप उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। आज हम सब ऑनलाइन के थ्रू ही बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हमारे मीडिया के प्रोफेसर हैं, यहां तक उनके सामने भी एक चैलेंज हो गया है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपसे अच्छा अगर यूट्यूब पे कोई अवेलेबल है ज्ञान, तो आज का विद्यार्थी आपको नकार देगा। तो टीचर को भी अपडेट होने की जरूरत है, प्रशिक्षण का महत्व बढ़ रहा है और साथ ही आज हर एक टीचर को, जो भी मीडिया शिक्षक है उसको अपडेट होने की जरूरत है। क्योंकि जब आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि YouTube पे आप चले जाएं और किसी भी विषय पे आप लेक्चर दे रहे हैं, 2-4 आप लेक्चर जरूर देखें, आपको लगेगा कि बहुत तैयारी के साथ में वो बनाए गए हैं और उसका मुकाबला आपको करना है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप ऑब्सोलीट होते जाएंगे और विद्यार्थी आपको नकार देगा। तो प्रशिक्षण की बात की जाए, प्रशिक्षण जरूरी है। साथ में जो बात है कि भाई इक्विपमेंट, जैसा कि भाई दिलीप ने कहा कि हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी वर्कशॉप कराते थे
हम यहाँ भी हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी वर्कशॉप कराने जा रहे हैं और फोटोग्राफी की एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि जब आप कोई काम करते हैं, आज हर मीडिया के जो विश्वविद्यालय हैं या विभाग हैं वहाँ पे कैसे न्यूज़पेपर छपता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इन डिज़ाइन यूज़ होने लगा है, किस तरह से आप पेज मेकिंग करेंगे, उसी तरह से अगर न्यूज़ बुलेटिन की बात है तो न्यूज़ बुलेटिन कैसे बनते हैं, कैसे एडिट होते हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो बात कर रहे थे भाई दिलीप, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपने सुना, आपने कुछ दिनों का आप भूल गए, आपने देखा कुछ दिनों तक याद रहा, लेकिन जब आपने वो चीज़ किया तो आप अपने को आत्मसात कर लेते हैं। दूसरी बात की जाए कि मीडिया के बहुत सारे, जो मैंने करियर अपॉर्चुनिटीज की बात की कि सिर्फ हम मीडिया का मतलब कि टेलीविज़न में काम मिल जाए मुझे या रेडियो में काम मिल जाए या मुझे किसी समाचार पत्र में काम मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब तो है ही है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मीडिया में हमको अच्छा करियर बनाना है अपना, तो आपके पास एक अपार कह लीजिए संभावनाएं हैं काम करने की। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनके कि एजुकेशन के चैनल हैं जो कि अपना एजुकेशन के और उनके लाखों फॉलोवर्स है ना, आप देख लें अन अकेडमी का देख लें, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी अब ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। तो आप इस दिशा में भी जा सकते हैं अपने ज्ञान को, अगर आपके पास ज्ञान है और साथ में क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी भी अपने आप में उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी विश्वसनीयता बनी है या नहीं बनी है। अगर आपकी विश्वसनीयता नहीं है, आप किसी पक्ष और पार्टी का समर्थन करते हैं या आप कहीं से भी लगता है कि आप निष्पक्ष नहीं है, तो आप लोगों को ज्यादा दिन तक आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ताकत है और मैं कर सकता हूं, तो आप हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल की कि भाई फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में बहुत सारे क्षेत्र हैं। एक फोटो जर्नलिस्ट ही बनना जरूरी नहीं है। आप समझ सकते हैं फैशन फोटोग्राफी में कितनी ताकत है। आज जो मॉडल्स होते हैं मुंबई दिल्ली या जाते हैं वहां पे एक एक पोर्टफोलियो के लिए 50,000 रुपए से लेके 10,00,000 रुपए तक लोग चार्ज करते हैं, है ना, आप उसमें कर सकते हैं। आज जो मैरिज फोटोग्राफी है वो भी आज कोई सस्ती नहीं रह गई है। बहुत जयपुर में मैं आपको बता दूं ऐसे लोग हैं जो 10,00,000 से लेके 50,00,000 रुपए तक फोटोग्राफी के लिए, मैरिज फोटोग्राफी के लिए चार्ज रखते हैं, चार्ज लेते हैं। तो उसमें भी आयाम बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, विकास हो रहा है। जितनी बढ़िया आप ट्रेनिंग करते हैं, आपके पास बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, एड एंड पीआर की बात करें, आजकल विज्ञापन और जनसंपर्क में हर व्यक्ति हर संस्था पीआर रखना जरूरी, पॉलिटिकल पीआर बढ़ रहा है, हर एक जो पॉलिटिशियन है वो पीआर रख रहा है, एक बड़ा विंग हो रहा है हर एक पार्टी का जो पॉलिटिकल वो कर रहा है। तो कैरियर की अपार संभावनाएं हैं, बस आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। महेश स्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा है, हमारे बड़े भाई हैं, कि पत्रकारिता में फोटोग्राफी का कितना महत्व है। महेश जी, आप अच्छे फोटो पत्रकार रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्व तो बहुत है, क्योंकि हम सब क्या है कि आज के डेट में जब न्यूज़पेपर भी देखते हैं तो फोटोग्राफ तलाशते हैं, जब हम न्यू मीडिया की बात करते हैं तो बिना फोटोग्राफ के कोई भी आपको यूट्यूब का वो नहीं मिलेगा या बिना फोटोग्राफ के कोई भी आपको न्यूज पोर्टल नहीं मिलेगा। तो फोटोग्राफी एक तरह से जो विजुअल इंटरप्रिटेशन की बात है, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। और बिना, आप कह सकते हैं कि फोटोग्राफी के बिना दृश्यों के किसी भी न्यूज़पेपर की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी ऐसे न्यूज पोर्टल की कल्पना नहीं की जा सकती। तो फोटोग्राफी के बिना आप कह सकते हैं, फोटोग्राफी के बिना ऐसा ही होगा जैसे आप कह लीजिए कि रक्त के बिना शरीर। तो फोटोग्राफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं पत्रकारिता में भी, पत्रकारिता में तो बहुत है ही है। हालांकि एक चीज से जरूर थोड़ी निराशा होती है कि उतना अब तो थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले फोटो जर्नलिस्ट को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था कि ठीक है वो जाएंगे फोटो खींच के लाएंगे, लेकिन अब जो अच्छे फोटो जर्नलिस्ट है वो अच्छी रिपोर्टिंग भी करने लगे हैं और साथ ही साथ जो उनके फोटो खींचने के जो तरीका है वो अपने आप में कह लीजिए अनूठा है। बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं जो फोटो जर्नलिस्ट हैं अच्छे या फोटोग्राफर हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसमें महेश स्वामी जी भी उसमें एक है। तो बहुत स्कोप है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी, बहुत स्कोप है। और जब पत्रकारिता के क्षेत्र में फोटोग्राफी की बात आती है तो मैं तो मानता हूं कि फोटोग्राफी जिस समाचार के साथ में नहीं होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि उस पर कम विश्वास किया जाए, एक विश्वसनीयता जुड़ जाती है।
जब खबर छपी है किसी समाचार पत्र में और उसके साथ में फोटोग्राफ है, तो ऐसा लगता है, ऐसा कनेक्शन होता है कि ये सही में रियल में ये 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 आयोजन या ये घटना या दुर्घटना घटी है, उसका फोटोग्राफ साथ में लगता है, तो एक विश्वास सा बनता है एक रीडर के तौर पर। इसलिए भी बहुत आवश्यक है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जब नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि समाचार के साथ में फोटोग्राफ होती है तो एक अलग तरह का विश्वास जोड़ती है एक पाठक के रूप में। इसमें कोई दो राय नहीं, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। और मैं रुख करता हूं डॉक्टर दिलीप जी का, शब्द गुलाम नहीं और विचार किसी के मोहताज नहीं है। और जब हम शिक्षण प्रशिक्षण की बात करते हैं मीडिया की, तो दिलीप जी विभिन्न विषयों के लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या मैं साइंस स्ट्रीम से निकलकर पत्रकार बन सकता हूं, क्या मैं कॉमर्स स्ट्रीम से पत्रकार बन सकता हूं, क्या मैं कला के क्षेत्र से पढ़कर पत्रकार बन सकता हूं, तो कहीं ना कहीं एक ऊहापोह की स्थिति होती है। इवन बीजेएमसी या कोई और विषय किए जाने वाले लोग भी कहते हैं कि क्या मैं स्नातक में जा सकता हूं। तो स्नातकोत्तर करना और किसी भी विषय से पढ़कर किसी भी विधा में जाना, ये क्या हमारी फील्ड में मीडिया के शिक्षण प्रशिक्षण में सबके लिए खुला है या इसमें भी कुछ व्यवधान है, उससे जरा एक बार आप हमारे सभी दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं है, और खासकर जब नई शिक्षा नीति आ रही है तो इसमें तो बिल्कुल ही व्यवधान नहीं है। आप कहीं पर भी कहीं से भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ये जरूर है कि ये समय इशारा कर रहा है कि हमें 2-4 मिनट के अंदर ही प्रोग्राम की के समय की तरफ हमें मुड़ना भी है, लेकिन मैं जल्दी से समअप कर दूं, बता दूं कि जैसे आपने प्रश्न पूछा कि क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक विधा का होना जरूरी है। जीमा एक इंस्टीट्यूट चलाता था, हालांकि अभी बंद कर दिया, प्रोफेसर अंबेश सक्सेना उसको देखते थे, और उस समय एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जी के द्वारा कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों को आइडियाज के लिए लिया करते थे वो लोग, और वो कहते थे कि ट्रेनिंग तो हम हैंड्स ऑन कर लेंगे जब वो आ जाएगा हमारे पास। तो यस, उसका एक फ्रेश आइडियाज होना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे चैनल खासकर अल जजीरा, बीबीसी वगैरह इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उसमें काफी हद तक उनको सफलता भी मिली। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तो आजकल इंडस्ट्री खुद भी दे रही है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट के द्वारा ट्रेनिंग है। लेकिन अगर बात करें कि करियर कहाँ कहाँ होगा, तो बच्चों से फटाफट मैं कह दूं जो दर्शक सुन रहे हैं कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिजाइनर एंड ग्राफिक्स वाले जो डिजाइनर हैं वो ग्राफिक्स भी अगर करते हैं तो उसके लिए केवल इतना मल्टीमीडिया का कोर्स कर ले तो भी मीडिया में बहुत सारा स्कोप है उनके अंदर। कंपोजर है, ब्लॉग राइटर है, कैमरा पर्सन में अभी इमेज बिल्डर भी आजकल आ गए हैं, पार्टी के स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग भी आ गए हैं, कंपेनर भी आ गए। आज आप देख लीजिए कि प्रशांत किशोर इसी न्यू मीडिया का प्रयोग करके कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और इसी तरह की कई सारी चीजें हैं। इसी तरह पब्लिक रिलेशंस में रिसर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा, गेस्ट कोऑर्डिनेटर के लिए बहुत सारा स्कोप है, कंटेंट राइटर है, क्रिएटिव राइटर है, एडवर्टाइजिंग में जैसे डॉक्टर अजय ने कहा कॉपी राइटर, और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इतनी सारी हैं, मीडिया प्लानर है, मीडिया प्लानर के तौर पे भी आजकल बड़ा सारा करियर का स्कोप है, ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन का काम आप देखिए न्यू मीडिया में, ऑल इंडिया रेडियो तक को पॉडकास्ट करने आना पड़ा, ऑनलाइन आना पड़ा है, और उस तरीके की चीजें बीबीसी से लेकर के तमाम स्पोर्ट्स के खबरें आजकल पॉडकास्ट के तौर पर आपके सामने छोटे छोटे क्लिप में या पूरा उस तरीके की पूरी सीरीज में आता है। मोहनलाल जैसे या फैजल की रिपोर्ट बीबीसी के अगर कोई देखता है बच्चा, वो सीख सकता है इस तरीके की चीजों को। इवेंट मैनेजर आप बन सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर आप बन सकते हैं, तो मैं जल्दी से इन सब चीजों को, टेक्निकल राइटर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, एडिटर जर्नलिस्ट तो आप खैर बन ही सकते हैं, कॉलमिस्ट बन सकते हैं, फीचर राइटर बन सकते हैं, रिव्यूअर बन सकते हैं, क्रिटिक्स बन सकते हैं, एजुकेशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लाइफस्टाइल पत्रकारिता आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, हेल्थ कम्युनिकेटर आजकल एक बड़ा स्कोप बना है, हेल्थ कम्युनिकेटर, साइंस कम्युनिकेटर्स की हमारे सोसाइटी को जरूरत है, लोग नहीं है। इसी तरह प्रोडक्शन में अगर जाएं तो तमाम तरीके के एडिटर, फोन पे इतने सारे एडिटिंग टूल्स को अगर एक्सपर्ट है तो आप जान सकते हैं। बीबीसी के एक रिपोर्टर हैं जो मिस्टर यादव, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स एरिया में जा करके जबरदस्त, हमारे साथ डॉक्टर अजय भी थे, एक रिफ्रेशर कोर्स में हम लोग थे, उनका एक बहुत महती कार्य है जो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स एरिया में, बक्सर वगैरह में वो कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग से लेकर के, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग से लेकर के, तो उनका भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस तरीके से मीडिया में जितने बड़े स्कोप्स हैं, एक ही चुनौती है मीडिया में कि इसको आज तक अभी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं माना गया, जैसे बार काउंसिल है उसी तरह एक मीडिया का काउंसिल होने की रिक्वायरमेंट, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाए ताकि जो इस तरह के छोटे छोटे हमारे मीडिया के कम्युनिकेटर्स है, मास कम्युनिकेशन के कम्युनिकेटर्स है, वो जाकर अपनी बातों को कर सके। समय की एक सीमा है, बहुत सारी बातें की जा सकती है जी,
मैं अपनी बातों को दिल, ये दिल की बात कह दी ये डॉक्टर राजीव कुमार जी, दिलीप जी ने दिल की बात कह दी है, क्योंकि जगह जगह देखा गया है आप बोर्ड के ऊपर कैमरा नहीं सिखा सकते ना, और वो कहना मैं लकड़ी से बने हुए कंप्यूटर से आप एडिटिंग नहीं सिखा सकते, तो ये बड़ी दुविधा है। इसके लिए आपको लगता नहीं कि जो शिक्षण संस्थान है उनको एक एक रजिस्ट्रेशन के दौर में लाया जाए, या पत्रकारों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में जो शिक्षण प्रशिक्षण के संस्थान है उनको एक पंजीकरण से गुजरना चाहिए, एक काउंसिल की आवश्यकता है? पूरे देश भर में जब विभिन्न विषयों को गवर्न करने के लिए काउंसिल्स हैं, तो क्या लगता नहीं कि मीडिया का भी एक संस्थान होना चाहिए, काउंसिल होना चाहिए, जो शिक्षण प्रशिक्षण कैरियर उसकी चुनौतियों से निपटने में सहयोग कर सके? आपका रिमार्क। ये जी आपसे मेरा प्रश्न, मेरे से प्रश्न है या डॉक्टर साहब से? अजय जी, जी जी अजय जी जी, एक बार अपना प्रश्न क्या आप दोहराएंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से काउंसिल विभिन्न विषयों को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए एक काउंसिल है, उसी तरीके से मीडिया प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, कैरियर के लिए, संस्थानों के लिए एक काउंसिल होना आवश्यक आपको लगता है कि क्या नाम के होना चाहिए, ताकि मीडिया का सही शिक्षण प्रशिक्षण जो है विद्यार्थियों तक पहुंच सके? जी, बहुत बहुत आपने अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, कि हमारे जो पत्रकारिता के, चाहे वो पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, या जो भी इक्विपमेंट चाहिए, या जो भी ट्रेनिंग के लिए लोग चाहिए, तो इनमें बड़ी विविधता है। आपको बताएं, बहुत विविधता है। कहीं पे सिर्फ थ्योरी पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है, कि सिर्फ आपको सिद्धांत पढ़ा दिए जा रहे हैं, कहीं का सिलेबस कुछ है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पत्रकारिता का कोई भी ऐसा सिलेबस बनाने का प्रयास किया जाए, और जाहिर सी बात है कि करंट टीवी है, या डॉक्टर दिलीप हैं, आप लोग हैं, या अन्य विद्वान और भी जो प्रोफेसर्स हैं, इन सबको मिलके एक पत्रकारिता का ऐसा सर्वमान्य सिलेबस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी चीजें जो मिसिंग रह जाती हैं, या बहुत सारी जो व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज छूटा रह जाता है, वो आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए कि मिनिमल में तो कम से कम, कि भाई इतना, जैसे दिलीप जी कह रहे थे कि कम से कम इतना तो आपको आता ही रहे कि आप अच्छी फोटो खींच सकें, आप अच्छी एंकरिंग कर सकें, आप किसी विषय पर अपनी बात कह सकें, प्रेजेंट कर सकें, लिख सकें, इस तरह के। और जो प्रैक्टिकल है, अभी हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में जो हमारा था, अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया, बहुत बदलाव कर दिया। जैसे अगर मान लीजिए हमारा 100 नंबर का पेपर था पहले, तो हमने कई पेपर में, कम से कम 8 पेपरों में ऐसा किया कि 50 नंबर थ्योरी और 50 नंबर प्रैक्टिकल कर दिया। तो मैं वो आप लोगों से भी साझा करूंगा, और उसमें दिखाऊंगा कि जो, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं किसी को टेलीविजन रिपोर्टिंग पढ़ा रहे हैं, तो 50 नंबर पे तो आपने प्रश्न पूछ लिए कि रिपोर्टिंग कैसे होती, न्यूज रूम क्या है, क्या, और बाकी 50 नंबर है कि आप एक बुलेटिन बनाएं, आप उसमें एंकरिंग करें, आप उसकी एडिटिंग करें। तो जब खुद करते हैं तो अपने आप में एक इफेक्ट होता है। तो मेरा कहना है कि अगर कोई साझा सिलेबस बन पाए, आपको बताएं कोई ऐसा सिलेबस बन पाए जो कि सर्वमान्य हो, और मुझे लगता है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर बैठेंगे, एक ये महायज्ञ है, लेकिन अगर बैठेंगे तो विद्यार्थियों का बहुत फायदा होगा, आपको बताएं। नहीं तो अच्छा, इसमें अब तो क्रेडिट सिस्टम हो गया है, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा कि कहीं का विद्यार्थी, मान लीजिए हमारा विद्यार्थी कल को नोएडा चला जाता है, दिलीप जी के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है, या कहीं और जाता है, तो उसको ये पता रहेगा कि भाई इस क्रेडिट हमने 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट पढ़ लिए हैं, या 10 क्रेडिट हमने पढ़ लिए हैं, बाकी क्रेडिट हमको अर्न करने हैं, क्योंकि वही चीज एक सिमिलर वे में रहेगी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बिल्कुल आपका ये बहुत ही उत्तम, कह लीजिए, सुझाव भी है, और मैं पूरी तरह से इससे अग्री करता हूँ कि बिल्कुल एक ऐसा मीडिया काउंसिल या मीडिया एडुकेटर्स का कोई ग्रुप बनना चाहिए, जो कि जो सिलेबस है कम से कम 70% सिलेबस कॉमन होना चाहिए। 30% आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 30%। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, बहुत सारे, चूंकि मैं मीडिया के संस्थानों में जाता हूं, तो बहुत जगहों पर जो प्रैक्टिकल व्यवस्था है, कैमरा है, एडिटिंग इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग और सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उसका अभाव है, या वो नहीं है, ऑडियो का है या कम्युनिटी रेडियो है। तो हम सबको ये भी प्रयास करना होगा कि हमको जो सेटअप हमारा है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो भी तय हो, कि कम से कम अगर आप मीडिया का कोई डिपार्टमेंट खोलना चाह रहे हैं किसी विश्वविद्यालय में, तो यूं ही ना स्टार्ट कर दें आप कि आपने स्टार्ट कर दिया। एक उसकी प्लानिंग रहे
कि भाई हमारा स्टूडियो होना चाहिए, हमारे ये कैमरे होने चाहिए, हमारे इस तरह के सिखाने वाले लोग होने चाहिए, इंडस्ट्री के लोग कितने होने चाहिए, एकेडमिक लोग कितने होने चाहिए, है ना, कि जिस तरह से हम वर्कशॉप करा सकें, बाहर से कितने लोगों को बुला सकते हैं, उसका एक सेट जरूर बनना चाहिए। और अगर हम ये कर पाए तो जाहिर सी बात है कि मीडिया शिक्षा में एक बड़ी प्रगति होगी और साथ में जो करियर की संभावनाएं जिस पे हमारा ये टॉपिक था, ये और हमारे जो करियर की संभावनाएं हैं काफी बढ़ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, सार्थक चर्चा ये हुई है। और जैसा मुझे लगता है कि हम अपने विषय के तमाम बिंदुओं को विद्यार्थियों तक या जो सुन रहे हैं उन तक पहुंचा सके हैं, हमने कैरियर की भी बात की और चुनौतियों की भी बात की, और चुनौतियों को कैसे ओवरकम करते हुए एक नई राह की ओर बढ़ना है उस पर भी हमने चर्चा की। हालांकि इस थोड़े से समय में इस पूरी विषय को समेटा नहीं जा सकता, मुझे लगता है कि इस पर और ज्यादा बातचीत किए जाने की आवश्यकता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करने की अनुमति जरूर चाहूंगा। और इस विश्वास के साथ में, इसमें जब हम काउंसिल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उस काउंसिल के अंडर जो है ये भी आना चाहिए कि जो पत्रकार पत्रकारिता करने के बाद में निकला है उसका एक सही रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है, रजिस्टर्ड पत्रकार होना चाहिए। वो कहीं भी उठकर पत्रकारिता करना प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि नीम हकीम खतरा जान जैसी स्थिति बनी रहती है। और पत्रकार अगर ऐसी बात करेगा जिसके केंद्र में अगर देश नहीं होगा, जिसके केंद्र में, जिसके सेंटर में अगर फिलोसफी नहीं होगी, भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं होगी, तो वो कुछ का कुछ कर देगा। ऐसा मेरा हम सबका विश्वास है कि उसके केंद्र में देश रहना चाहिए, वो किसी पक्षकार पक्ष की बात ना करे, वो पक्षकार ना बने, वो सही में पत्रकार रहे। ऐसी सोच के साथ में हम आगे बढ़े। और किसी ने सही कहा है कि सच सच के जुबान पर तब लग जाएं ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे वाले, रीतियां जब रीतियों से ठगी जाए, सामना तब करें कागज खरीदने वाले, सामना तब करें कागज खरीदने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी इस विषय पर विमर्श करने के लिए, हमारे सभी श्रोताओं को इस विषय बहुत आभार, बहुत आभार। डॉक्टर दिलीप कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।